मौका आ गया है जब रेखा को अमिताभ बच्चन पर प्यार लुटाने के लिए मौका मिल ही गया। वाले एक बफर से मौका सामने आया जब रेखा ने कैमरा के सामने कर दिया इजहार अमिताभ बच्चन के लिए अपने प्यार का। भाई सिंदूर लगाकर जिस रेखा ने हमेशा से उस विवाद को दिया है जन्म, जिसमें नाम अमिताभ बच्चन का आया है सामने। भाई जिस अमिताभ बच्चन के लिए रेखा का प्यार फिल्म सिलसिला के बाद हमेशा के लिए खत्म हुआ, उस सिलसिला फिल्म के बाद भले ही इनकी फिल्मी करियर एक दूसरे से अलग अलग रास्ते पर आगे बढ़ गई हो, लेकिन साथ जो था उस वक्त का वो आज भी उन्हें जोड़े रखता है। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे शो बॉलीवुड बस में, जिसके लेटेस्ट एपिसोड में आज मैं आपकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूँ रेखा अमिताभ के रिश्ते से जुड़ी बेहद ही दिलचस्प खबरों को लेकर। हाल ही में रेखा फिर सिंदूर लगाकर नजर आई और भाई खबरें तो आ ही गई रेखा को लेकर कि सिंदूर है सिर्फ और सिर्फ उनके चाहने वाले का नाम, उनकी मोहब्बत के नाम। अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्स है जिनसे प्यार करती है रेखा, और इस बात को कबूल खुद रेखा ने उस चैट शो में किया है जहां पर अमिताभ को लेकर हर सवालों पर उन्होंने दिया है जवाब। अमिताभ बच्चन वो शख्स है जिनके लिए मोहब्बत आज भी जिंदा है रेखा की जिंदगी में। भाई तो फिर सिंदूर किसके नाम? लाजमी है ये बात कि भले ही शादी ना हुई हो रेखा अमिताभ की रियल लाइफ में, लेकिन पर्दे की उस शादी को रेखा ने मान ली है सच, स्वीकार लिया है उन्होंने अमिताभ को अपना हस्बैंड। भाई प्यार है ये जो कि बेनाम रिश्ता को नाम दे जाता है। वेल बॉलीवुड बस के आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे रेखा की वो खास झलक सिंदूर में, उनके वो कारनामे जो बारंबार करते हैं इशारा। दुल्हन की तरह सिंदूर लगाने वाली रेखा 64 साल की उम्र में भी बार बार अमिताभ बच्चन से जुड़े उन विवादों को फिर से ले आती है सामने। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, बात चाहे फेमस फोटोग्राफर जतिन रतनानी के कैलेंडर फोटोशूट लॉन्च के मौके की हो, या फिर बात अंबानी परिवार में शादी के मौके पर दुल्हन बनकर सजने की हो, या बात दीपिका पादुकोण के रिसेप्शन पार्टी में दुल्हन की तरह सजकर पहुंचने की हो, हर जगह हर मौके पर रेखा को देखा गया सिंदूर और दुल्हन की तरह सजकर पहुंचते जहां पर अमिताभ बच्चन की मौजूदगी और भी ज्यादा उन्हें चर्चाओं में लेकर आई। जिस अमिताभ बच्चन की तारीफ रेखा ने खुद अपनी जुबान से किया, जिनके लिए अपनी मोहब्बत को रेखा ने खुद स्वीकार किया, उस अमिताभ बच्चन के लिए रेखा का प्यार कौन नहीं जानता कि लाजवाब है। कौन नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर रेखा ने न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर लगाया, बल्कि फिल्मी पर्दे के पीछे भी इनका रिश्ता हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहा है। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन के पोर्ट्रेट को देखने के बाद रेखा ने जो बेहद ही खूबसूरत सा रिएक्शन दिया, उसे लेकर एक बार फिर से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि रेखा और अमिताभ के बीच जो कनेक्शन है भाई वो आज भी नहीं हुआ। जी हाँ, 2019 के मौके पर पहले ही महीने जो कनेक्शन रेखा अमिताभ का देखने को मिला है, उसे देख कोई भी कह दे कि आज भी रेखा की मांग में जो सिंदूर है कहीं ना कहीं अमिताभ के नाम का है। यार इसके अलावा बात करें रेखा और अमिताभ के रिश्ते की, तो चैट शो के मौके पर रेखा ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन की तारीफ की, बल्कि उनके साथ साथ अपने रिश्ते पर कई बातें भी की थी। जी हाँ, भले ये बात ना जानते हो, लेकिन अमिताभ बच्चन की तस्वीर के सामने रेखा का जो एक्सप्रेशन था बेहद ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, मचाने वाला बवाल। उनका जो एक्सप्रेशन था वो बेहद शानदार था, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हुए। जो वायरल हो गई वीडियोस जिसमें रेखा के एक्सप्रेशन को देख हर कोई यही सोचने लगा क्या वो आ गई अमिताभ को एक बार गले लगाने के लिए है तैयार। अब इसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन
अमिताभ बच्चन को देखने के बाद रेखा पूरी तरह से थम गई, उनकी आंखें वहीं की वहीं रुक गई। अमिताभ बच्चन को देखने के बाद रेखा ने उनके साथ पोज दिया, जो कि ये बताने की कोशिश तो जरूर कर रही थी कि आज भी वो अमिताभ बच्चन के दिल पर राज करती हैं। रेखा अमिताभ की अनटोल्ड लव स्टोरी की हमेशा बातें होती रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बता दें कि उनका रिश्ता आखिर क्यों आज भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चाहे एक तरफ बच्चन परिवार से दूर रही है रेखा, बच्चन परिवार जो हमेशा इस मामले पर चुप्पी साधता रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ रेखा ने अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाकर सबके बीच अपने साथ अमिताभ बच्चन को भी विवादों से घेर लिया, जिन्होंने दो अनजाने फिल्म में पहली बार साथ स्क्रीन शेयर किया, जिन्होंने फिल्म मेकर यश चोपड़ा के जरिए ही एक दूसरे के साथ फिल्म सलसला में भी काम किया। अमिताभ और जया और रेखा की इस फिल्म में एक दूसरे का साथ होना लोगों को काफी ज्यादा हैरान करता था। तो वहीं सिमी ग्रेवाल के चैट शो में अमिताभ बच्चन को लेकर रेखा का कहना था, इट वॉज इजी आस्किंग हर द क्वेश्चन अबाउट अमिताभ, इफ आई कैन आस्क जय ललिता इफ शी वॉज एवर लव्ड MGR, आस्किंग रेखा अबाउट अमिताभ बच्चन वॉज मच इजियर। ये कहना था सिमी का, उनका कहना था कि वो हमेशा से अमिताभ बच्चन को लेकर खुलकर बात कर रहे थे। वहीं रेखा को लेकर अमिताभ बच्चन ने भी खुलासे किए थे। रेखा से जब पूछा गया था तब उन्होंने बताया था, वेल आई थिंक आई हैड अराइव्ड सो टू से इन मेनी वेज आई एम सीनियर टू हिम बट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अमिताभ बच्चन द अल्टीमेट एक्टर वाज नॉट इजी। कुछ ऐसा ही रिश्ता है इनका। तो वहीं आपको बता दे, दो अनजाने साइन करने वाले अमिताभ बच्चन ने हमेशा से बात रेखा को लेकर की तो सही, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल रवैये के जरिए। रेखा के बारे में अमिताभ बच्चन ने कहा था, I was never impressed by the ordinary। तो वहीं आपको बता दे, रेखा के इस तरह की बातों पर अमिताभ बच्चन ने कहा था, सिर्फ फिल्म पर्दे का ये रिश्ता था। रेखा ने कहा था, the moment I came to know that Amit ji had signed दो अनजाने, I was so paranoid because Deewar had just released। He was a phenomenal success। I knew him as Didi Bhai। यानी कि जया बच्चन्स हस्बैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स बॉयफ्रेंड एंड देन हस्बैंड। आई नेवर न्यू हिम अदरवाइज बिकॉज वी नेवर गॉट चांस टू सिट एंड टॉक। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम आई वाज सो नर्वस एंड आई रियली रियली लर्नड अ लॉट। इट चेंज्ड माय परसेप्शंस ऑफ व्हाट बीइंग ऑन द सेट इज लाइक। आई वाज एंड इट वाज नेवर अ प्ले ग्राउंड फॉर मी अगेन। इसके अलावा भी अमिताभ और रेखा की कन्वर्सेशन ने लोगों को बार बार सोचने के लिए मजबूर किया। रेखा ने कहा, पर्सनली आई थिंक यू कैन से व्हेन यू आर फैसिनेटेड बाय समथिंग सबकॉन्शियसली व्हेन विदाउट रियलाइजिंग इट यू जस्ट पिक अप एवरीथिंग एंड व्हेन आई फाउंड दिस पर्सन, यानी कि I found when अमिताभ बच्चन, I had never met anyone like him. He is a fellow librarian. He is a very talented man. How can so many good qualities be bestowed upon one human being? Not fair. अमिताभ बच्चन को लेकर तारीफ रेखा की जुबान से सुनने के बाद ये बात तो यकीन हो गई कि सच में रेखा के दिल में मोहब्बत अमिताभ के लिए यूं ही नहीं घर कर गई। वहीं अमिताभ बच्चन को लेकर रेखा ने ये भी लिखा, आई वॉज नेवर इम्प्रेस्ड बाई द ऑर्डिनरी एंड ही वॉज लाइक समथिंग आई हैड नेवर सीन बिफोर। आई हैव नेवर सीन हिम एवर एक्सप्रेस पेन। यानी कि उन्होंने कहा, अपना दर्द भी उन्होंने बयां नहीं किया, लेकिन जो अमिताभ बच्चन उनके लिए थे वो शायद उनके जिंदगी में अब कोई और कभी भी नहीं हो सकता। तो देखा आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा वो नजारा अपनी फेवरेट अभिनेत्री वन एंड ओनली एवरग्रीन रेखा की खूबसूरती का। देखा आपने चांद सी सूरत वाली रेखा 64 साल की उम्र में ओल्डी लुक नहीं बल्कि बिल्कुल न्यूली फ्रेश लुक के लिए जानी क्यों जाती है। फिटनेस की बात हो, खूबसूरती की बात हो, मेकअप से लेकर सिजलिंग अवतार की बात हो, साड़ी से लेकर अलग अलग ड्रेसिंग सेंस में स्टाइल करने की बात हो, या फिर सिंदूर लगाकर
अपने गजरे के साथ, खूबसूरत अवतार के साथ दिल लुभाने की बात हो। रेखा बार बार इस तरह से होती है तैयार कि पुरानी बातें आ जाती है लोगों को याद। जब अमिताभ बच्चन ने रेखा को लेकर एक चैट शो में खुद ही कहा था कि रेखा से उनका आमना सामना बॉलीवुड के फंक्शंस में हो जाता है और ये सभी जानते हैं, लेकिन उनके बीच, यानी कि रेखा और उनके बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं। वह फिल्मी सफर की वजह से, प्रोफेशन की वजह से इन दोनों के बीच रिश्ता था जो खत्म हो चुका है, पर्सनल कुछ भी नहीं। यानी कि अमिताभ बच्चन छुपाते हैं बातें, लेकिन रेखा का नाम ही लेना कोई बात नहीं है। ऐसे में वक्त हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि बॉलीवुड बज में आज इतना ही, लेकिन लौटेंगे फिर इस शो के अगले एपिसोड को लेकर बॉलीवुड टाउन की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।